हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरव, आपका साइंस फैकल्टी। और आज हम अपना यहाँ पे जो हमारा सेशन नया स्टार्ट हुआ है कल से, एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स एमसीक्यूज है ना, तो उसका आज यहाँ पे हम पार्ट टू करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे हम अपना पार्ट टू सेशन करेंगे जिसपे हम फिजिक्स के ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हमारे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है ये, और बिल्कुल एकदम 2018 और 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीएचएसएल के, उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। वही चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे ही अलग अलग तरीके से और उन्हीं चीजों को रिपीट कर रही है एसएससी, है ना। तो ऐसा इतना कुछ टफ नहीं पूछ रहा है, लेकिन वही सारी चीजें पूछ रहा है अलग अलग तरीके से, उन सारी चीजों को हम अपने यहाँ पे देखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो आज का हम अपना एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि फाइंड द करेंट इन एम्पियर व्हेन अ चार्ज ऑफ 500 कूलम्ब फ्लोज इन 25 सेकंड्स। क्या बोल रहा है कि जब 500 कूलम्ब का चार्ज, जब 500 कूलम का चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो करता है कब तक, 25 सेकंड तक, है ना। तो करंट बताना है, जब 500 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 25 सेकंड तक, तो बोल रहा है कि वहां पे करंट कितनी होगी, वहां पे करंट कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें अपने नॉर्मल एसआई यूनिट्स में दिया गया है। ठीक है, और ये आपका 2018 का ही क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का, सिंपल सा। तो इसमें अगर देखें तो अगर आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा पता है कि करंट होता है I इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है, ये Q क्या होता है, Q यहाँ पे चार्ज डिनोट करता है और T यहाँ पे टाइम डिनोट करता है, एंड I क्या डिनोट करता है, I डिनोट करता है आपकी करंट। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है या आपको इस तरह से ही याद है Q इक्वल्स टू IT, इसी को अलग तरह से आप लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू IT, है ना। ठीक है, Q इक्वल्स टू IT, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखेंगे घुमा फिरा के वही आएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसमें आप सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए। चार्ज आपको 500 कूलम दिया गया था और टाइम दिया गया था 25 सेकंड, कितना हो गया, 20 एम्पियर। ठीक है, 20 एम्पियर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको कभी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो इतना टफ नहीं आएगा क्वेश्चन कि आपको बहुत ज्यादा वहां पे कुछ दिमाग लगाना रहे। बेसिक अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है, आपको सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो भी आपका वहां पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं परेशान होना कि यार न्यूमेरिकल पूछने लगा तो बहुत टफ पूछेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी भी नहीं आते हैं, आते हैं तो सिर्फ इस तरह के आते हैं कि बस वैल्यू पुट करो और थोड़ा सा यूनिट्स देख लो और आंसर आ जाएगा आपका। ऑलराइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जर्क। ये अलग सी चीज थी थोड़ा, है ना, ये जानने वाली चीज थी। अगर आपको नहीं पता है जर्क तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है, बेसिकली जर्क होता क्या है, जर्क उसे कहते हैं कि जब एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करें तो जो क्वांटिटी मिलती है, जो क्वांटिटी मिलती है उसे क्या बोला जाता है, उसे जर्क बोला जाता है। अलग अलग नाम भी आपने सुना होगा, जोल्ट बोला जाता है, ठीक है, और क्या बोला जाता है, एक सर्ज बोला जाता है। इन ये सारे उसी के नाम है, जर्क, जोल्ट और सर्ज। ठीक है, ये तीनों उसी क्वांटिटी के नाम है। ठीक है, तो ये थोड़ा हट के अलग सी चीज पूछी गई थी। तो बेसिकली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे एक्सेलरेशन का सबको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। ठीक है, मैंने बोला एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब डीए बाई डीटी। तो यहां से एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे एक और डीटी है, मतलब एक और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगी यूनिट आपकी, मीटर पर सेकंड क्यूब, है ना, मीटर पर सेकंड क्यूब। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपका जो अभी सीएचएसएल होने वाला है 2019 वाला जो, तो उसमें हो सकता है इसी चीज को फिर से घुमा के जोल्ट करके पूछ ले, या पूछ ले सर्ज की यूनिट। ठीक है, तो वही सेम नाम है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, जोल्ट, सर्ज और लर्ज भी कहते हैं, लर्ज। ठीक है, जोल्ट, सर्ज और लर्ज, ये तीनों नाम को भी याद रखना है, हो सकता है यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए इस नाम से। ऑलराइट, चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस।
when the object is placed on the other side of the lens at 12 cm from the optical center. क्या बोल रहा है कि ये convex lens है, क्या बोल रहा है ये कि ये convex lens है, ये convex lens है, बोल रहा है कि इसमें क्या हो रही है, एक इमेज फॉर्म हो रही है कहां से, 25 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है, ये समझ लीजिए कोई इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और इसको बोल रहा है कि ये कितना दूर में फॉर्म हो रही है, 25 सेंटीमीटर में फॉर्म हो रही है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि उसके दूसरे तरफ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस कन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होगी, इस कन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होगी, ठीक है। तो आपको पावर जानने के लिए क्या जानना है कि पावर होता है, सर हमें पता है, हमने ये चीज पढ़ी है कि पावर होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक है, पावर होता है 1/फोकल लेंथ, और हमने ये चीज भी पढ़ी है, और मैंने भी ये आपको पेड लेक्चर्स में पढ़ा रखा है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f/(1/v-1/u), और u किसको डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, क्या डिनोट करता है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस, v क्या डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे बस एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पे आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि हमेशा लेंस के तरफ, लेंस के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, निगेटिव रहता है, ठीक है, क्वांटिटी निगेटिव रहती है, और राइट साइड में लेंस के क्या होती है, क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, ये चीज याद रखना है, और इसे कहते हैं क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन, इस चीज को बस आपको ध्यान में रखना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये पूछा था। अभी आप जैसे वी क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव इमेज बन रही है, मतलब सॉरी राइट साइड में बन रहा है, तो और राइट साइड में बन रहा है, साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ का साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव, तो 1/0.25 क्यों, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.25 मीटर, ठीक है। चलिए, और फिर इसके बाद u किधर दिया गया है, आपका लेफ्ट साइड में, और u लेफ्ट साइड में है, मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से निगेटिव, और निगेटिव क्या मिलके बन जाएंगे, यहाँ पे प्लस बन जाएंगे, और इसको क्या लिखोगे आप, 0.12, ठीक है, ये लिखोगे। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो 100 ऊपर लोगे, ये होगा 100/25, ये होगा 100/12, और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 25 12 का एलसीएम आपका हो गया 300, ठीक है, 300, और ऊपर प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा ये 37 ऊपर जाएगा एडिशन होके 37, और नीचे आपका यहाँ पे 100 रहेगा, और ये आया आपका 300 एलसीएम, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपका, 37/3, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लोगे, मैथ्स के स्टूडेंट हो सभी लोग, ठीक है। तो 37/3 यहां से क्या आ गया, 12.33, यहां से क्या आ गया, 12.33, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने 1/f निकाला, 1/f ही क्या होती है, पावर होती है, 1/f ही क्या होती है, डायरेक्ट पावर होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से क्या आ जाएगा, 12.33 डायोप्टर, ठीक है। और मैंने इसमें सेंटीमीटर को मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि डायोप्टर की यूनिट कितनी होती है, मीटर इनवर्स, डायोप्टर कितना होता है, यूनिट मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। तो इसको 25 सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 25 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक चीज जाननी थी, फॉर्मूला 1/f = 1/v-1/u, और क्या जानना था आपको कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, कि लेंस के, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है कि लेंस के, मैं यहां पे थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, कि लेंस के, जैसे ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका लेंस है, ठीक है, इस लेंस के इधर साइड, लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, और आपके राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इस चीज का ध्यान रखना है, और पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान आपको रखना है, ऑलराइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, SSC CHSL में ही आए हुए हैं, और मैंने बेसिकली वही क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि मैं आपको उनके पीछे का कंसेप्ट इजिली समझा पाऊं, जिससे आप उसे एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ टू अर्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एट अ डिस्टेंस ऑफ
2r at a distance of 2r from the surface of earth where r is the radius of the earth is, ठीक है, क्या बोल रहा है कि acceleration due to gravity, acceleration due to gravity क्या हो जाएगी कहां पे, at a distance of 2r, 2r मतलब radius, जैसे ये हमारे earth है, ठीक है, ये हमारे earth की radius है, ये हमारे earth का center है, पूछ रहा है earth के surface से 2r दूरी, अर्थ के सरफेस से 2r दूरी पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। और ये चीज मैंने आपको पेड लेक्चर्स में, पेड लेक्चर में जो भी ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैंने वहां पे ये चीज पढ़ा रखी है ना, वहां पे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था कि इसको आपको याद रखना है कि g डैश मतलब जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी डैश इक्वल्स टू जी, ठीक है, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला लगता है। कब लगता है, अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं तो जितना अर्थ के अंदर जाते हैं या जितना अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वही एच क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है, वही क्या होती है, हाइट और डेप्थ होती है, हाइट और डेप्थ होती है, ठीक है। अच्छा आर क्या है, आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये तो सिंपल है 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। चलिए तो यहां से अब देखते हैं जी डैश जो आपका नया आएगा वो कितना आएगा, जी आर कितना है, आर तो आर है और एच यहाँ पे बोल रहा है कि 2r है, मतलब नीचे क्या हो गया, 3r हो गया टोटल, r से r कट गया और स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ गया, g/9, क्या आ गया आंसर, g/9, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा था कि नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ पे जानना जरूरी था कि ये फॉर्मूला क्या जानना जरूरी था, आपको ये फॉर्मूला जानना जरूरी था, ये फॉर्मूला आपका जानना जरूरी था कि g डैश इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने तब भी जब मैंने क्लास में पढ़ाया था ये चीज तब भी मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और देख लीजिए कि ये 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और घुमा घुमा के पूछता है। आगे मैं एक और क्वेश्चन दूंगा उसपे भी यही चीज लगेगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, है ना, कोई भी बॉडी तैरती है पानी में, जैसे कि ये कोई नाव है, ठीक है, ये कोई नाव है, ये कोई बोट है, ठीक है, ये कोई बोट है, ये पानी में तैर रही है, ये कोई बोट है, ये पानी में क्या कर रही है, तैर रही है, ठीक है, मैं इस तरह से बना देता हूं, ये बोट पानी में कुछ इस तरह से तैर रही है, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है कि अपवर्ड फोर्स जो इस पे लग रहा है उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड फोर्स को जर्क कहते हैं, बायन फोर्स कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, एंटी ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अपने यहां से सिंपल अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये तो बायन फोर्स ही है, सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है, बस ठीक है, ये चीज जानना है कि बायन फोर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को लिख लिया कि आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझाऊं कि बायन फोर्स होता क्या है, है ना। तो बेसिकली बायन फोर्स क्या होता है, ठीक है, बायंसी जिसे कहते हैं बायंसी होता क्या है कि जब कोई बॉडी पानी में डूबती है, जैसे इमर्ज्ड होती है या, है ना, इमर्ज्ड होती है पानी में या डूबती है, तो क्या करती है, वो एक वॉल्यूम हटाती है वाटर का, है ना, एक आयतन हटाती है पानी का, वॉल्यूम का हटाती है वाटर का, जिसका वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है, जिसका वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है, ठीक है, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस नाव ने इतना पानी हटाया, ये रेड वाला पोर्शन क्या है, पानी हटाया उस नाव ने इतना, तो इतने पानी या इतने वाटर का जो वेट है वो नाव के, वो उस बोट के वेट के इक्वल होगा, ठीक है, इसीलिए ये तैर पा रही है, ठीक है। और यही जो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगता है और यही जो पानी के कारण इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उसी को कहते हैं बायन फोर्स या बायंसी, और इसी पानी के द्वारा जो इस बोट पे फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे, बायन फोर्स या बायंसी। और इसका आपको याद भी रखना है कि अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स होता है VdG, यहाँ पे D क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और क्या है ये, वॉल्यूम है, ठीक है, वाटर का जो हटाया है, और ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड,
ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। हो सकता है कभी आपसे वी डी जी ये फॉर्मूला भी पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ऑलराइट, चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट वर्क, वर्क का है ना कार्य जिसे कहते हैं वर्क, है ना कार्य जिसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको एक गलत कथन बताना है ना, कौन सा इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा कथन गलत है, कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क इज जीरो, वर्क डन कैन बी निगेटिव, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इट्स यूनिट इज जूल। तो क्या है, डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, क्या गलत है, सी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें समझते हैं, एक और चीज मैं यहां पे लिखता हूं कि वर्क होता है एफ डॉट डी, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या कि जब ये डॉट प्रोडक्ट को आप हटाओगे तो एफ डी कॉस थीटा लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे आप, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा अब आप देखो इसको किस तरह से निगेटिव हो सकता है वर्क डन, किस तरह से जीरो और किस तरह से पॉजिटिव हो सकता है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, ये आपका जब मैंने थियरी लिया था है ना, तो उसमें भी मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे होगा। कि फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा है, ठीक है, एक ये डब्बा है, आप इस डब्बे को यहां पे खड़े होकर के धक्का लगा रहे हो, इस डब्बे को खड़े होकर धक्का लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो फोर्स, डब्बा भी इधर ही मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आपका इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का बनने वाला एंगल कितना है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री बन रहा है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो यहां से वर्क डन क्या आया, एफ डी, एफ डी मतलब पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अच्छा जब ये आप इस डब्बे को धक्का लगा रहे थे, जब इस डब्बे को आप धक्का लगा रहे थे तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, इस पे एक क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यहां पे क्या लग रहा था, एक घर्षण बल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो लग रहा था कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, और डब्बा किधर मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में, तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, और आपका यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में था, एक अपोजिट डायरेक्शन में, बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन, यहां से वर्क क्या आएगा, माइनस एफ डी, तो ये वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अच्छा एक और चीज देखिए कि जब कुली का एग्जांपल आपने लिया कि कुली क्या करता है, कुली अपने सर पे अगर कोई बोझ लेकर चलता है, कोई भार लेकर के चलता है, तो ये जो इसमें इसके ऊपर सूटकेस है, ये इस पे एक क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है mg, अपने वेट के बराबर, अपने भार के बराबर इसमें एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ mg, और कुली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जो विस्थापन है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपका फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो आपका बल है और इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखें कि विस्थापन और फोर्स की जगह है ना, विस्थापन और बल के बीच में बनने वाला जो कोण है, बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए कह देते हैं कि कुली का वर्क डन जीरो होता है, कुली का वर्क डन जीरो होता है, मतलब कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। तो तीनों चीज यहाँ पे देखा कि जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, यूनिट जूल होती है, ठीक है, जूल होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक क्या है, यहाँ पे सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट भी सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर इनका डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी, जो वहां पे मात्रा मिलेगी, जो फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक मात्रा मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी वहां पे स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, तो जो आपका वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं कि वेट ऑफ अ पर्सन एट अ हाइट ऑफ 2 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वेट ऑफ अ पर्सन एट अ हाइट ऑफ 2 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि
यहाँ पे वेट क्या होगा, वेट आपको पता है एम इंटू जी होता है, ठीक है, मास मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो मास कांस्टेंट होता है हमेशा, ये क्या है, ये वेरिएबल है। अब फिर से मैंने वही कहा कि मैं एक आगे क्वेश्चन लूंगा जहां पे आपको जी डैश के फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी डैश इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज देखना है कि आर क्या है, यहाँ पे आर रेडियस ऑफ अर्थ है और टू आर क्या है, एट अ हाइट ऑफ 2R फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे ये चीज ध्यान है, वहां पे सरफेस दिया था, यहाँ पे सेंटर दिया है, सेंटर मतलब दिया है तो एक R तो यही हो गया, ये R और एक R ये ऊपर हो गया, एक R ये ऊपर हो गया, मतलब टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, सेंटर से R 2R ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो हाइट इसकी कितनी हो गई, टोटल हाइट एक R हो गई सरफेस से और एक R पहले से थी, तो R अपॉन 2R का होल स्क्वायर और g, यहां से r r कटा, g बाई फोर, ठीक है, g बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहां पे बिकम हाफ नहीं, बिकम फोर्थ होगा, ठीक है, बिकम वन फोर्थ, ठीक है, बिकम वन फोर्थ, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको देख लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बिकम हाफ नहीं, बिकम वन फोर्थ होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे वन नाइन्थ कब हो जाता, वन नाइन्थ कब हो जाता, डी ऑप्शन कब हो जाता, उस कंडीशन में जब सरफेस से टू आर डिस्टेंस हुई होती, सरफेस से अगर ये टू आर डिस्टेंस होती तो टू आर प्लस आर नीचे क्या आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, थ्री आर, और स्क्वायर में क्या आ जाता, वन नाइन्थ आ जाता, स्क्वायर में क्या आ जाता, वन नाइन्थ आ जाता, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो डिस्टेंस कहां से दी हुई है, वो डिस्टेंस अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में आपको देखनी है, ठीक है। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं कि why does ice covered in sawdust not melt quickly, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो बुरादे में बर्फ होती है अगर उसको बुरादे से ढक दिया जाए, sawdust बेसिकली लकड़ी का बुरादा होता है, ठीक है, sawdust अगर उससे क्या किया जाए, उस बर्फ की सिल्ली को या बर्फ को ढक दिया जाए तो वो बर्फ नहीं पिघलती है, जल्दी नहीं पिघलती है, उसका रीजन क्या है ये बताना है। कि sawdust does not allow the air to touch the ice, पहला ऑप्शन है द वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय sawdust, sawdust इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, sawdust इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, sawdust क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, sawdust होने के कारण, sawdust के प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इस कारण से क्या होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती जल्दी, हीट ट्रेवल नहीं कर पाती, और इस कारण से क्या होता है, आइस क्विकली मेल्ट नहीं होती, बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से sawdust होता है, ठीक है, मान लीजिए ये sawdust है, ठीक है, तो क्या होता है, इनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, हवा प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, और सबको पता है एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट के लिए, है ना, हीट के लिए एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, तो वही कारण है कि sawdust में जब एयर इनके बीच में काफी प्रेजेंट होती है तो हीट पास नहीं हो पाती है ना, हीट पास नहीं हो पाती, ना बाहर की हीट जल्दी अंदर आ पाती, ना अंदर की हीट जल्दी बाहर निकल पाती, तो उस कारण से क्या होता है कि जो हमारी बर्फ होती है, जो हमारी आइस होती है, वो क्या होती है, बहुत स्लोली मेल्ट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, है ना, किसी ऊंचाई से गिरा दिया जाए और वहां पे किसी भी तरह का वायु प्रतिरोधक ना हो, किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे देखते हैं कि एक यहाँ पे बॉल लिया, ठीक है, हमने एक ये टावर है, एक बॉल को यहाँ से गिरा दिया नीचे, ठीक है, यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, कंडीशन क्या होगी अगर वो बॉल नीचे पहुंचती है तो, ठीक है, इट विल फॉल विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, वो उसके अपने एक स्थिर गति और एक स्थिर त्वरण, ठीक है, से नीचे आएगी, इट एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, ठीक है, उसका त्वरण बढ़ जाएगा, बोथ स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल स्पीड, उसकी गति और त्वरण दोनों इंक्रीज होंगे या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज होगी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है वो बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसको समझते हैं कैसे बढ़ेगी, कि ये कोई वेट है जिसका mg था मास, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी वो नीचे मूव कर रही है, तो अगर आपको मैं इस चीज को समझाना चाहूं तो मैं आपको इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझाऊंगा, किससे समझाऊंगा, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस चीज को अपन समझेंगे। क्या होता है, जब इस ऊंचाई पे थी, मान लीजिए हाइट h पे, हाइट h पे थी, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी था mgh, यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा,
यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी या यहाँ पे इसकी स्थिति जो ऊर्जा जो थी वो MGH थी। और मैंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो जैसे जैसे आपकी हाइट यहाँ पे कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आती जाएगी, ये हाइट कम होगी, हाइट कम होगी मतलब एम जी एच की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, घटती जाएगी। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मतलब आपकी जो गतिज ऊर्जा है, जो आपकी गतिज ऊर्जा है या काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होगी, गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ने लगेगी। और मैंने बोला कि जब यहाँ पे मास, यहाँ पे द्रव्यमान जो मास है अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ने का क्या कारण होगा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां से भी समझ में आ गया। और जब वो लास्ट में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उस बॉल की मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई बॉल या बॉडी को आप ऊपर से फॉल करेंगे तो जैसे ही जमीन को टच करने वाली रहेगी, तो जस्ट टच करने से पहले, जस्ट जमीन से भिड़ने से पहले उसकी जो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अल्फा पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जो भी अल्फा पार्टिकल है उसके बारे में आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर, सेकेंड ऑप्शन है दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सी ऑप्शन है दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, डी ऑप्शन है दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, एच ई प्लस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई को ही तो अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, ठीक है आयोनाइजिंग पावर भी है क्योंकि हीलियम क्या है, एक हीलियम क्या है आपकी, एक नोबेल गैस है। ठीक है, नोबेल गैस है और ये क्या करेगी, ये अपना एक, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगी जल्दी से जल्दी, तो इसकी आयोनाइजिंग पावर भी हाई होती है। तो पहला ऑप्शन भी सही है अल्फा पार्टिकल के लिए। गलत कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका गलत है, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी होती है अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए आपको, लेकिन आप इनको जल्दी इजिली रोक सकते हो। ठीक है, इनकी इतनी अच्छी नहीं होती है कि जितनी ये, यहाँ पे बात कंपैरिजन हो रहा है कि इससे होता है गामा पार्टिकल से, गामा रेज से। ठीक है, किससे हो रहा है कंपैरिजन, यहाँ पे गामा रेज से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और किससे हो रहा है, बीटा पार्टिकल से, और किससे कंपैरिजन हो रहा है, बीटा पार्टिकल से। तो जितनी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है उसके कंपैरिजन में अल्फा की कम होती है, और इसको कुछ ही आप पेपर शीट्स लगा करके अल्फा पार्टिकल के पेनिट्रेशन को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। ठीक है, गामा की बहुत ज्यादा होती है पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, गामा को रोकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसके लिए काफी मॉडरेटर्स वगैरह यूज होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब कोई वहां पे क्या होता है कि डीके होता है, ठीक है क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है। अगर ये तीनों चीजें वहां से निकलती हैं, कब निकलती हैं, जब कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव डीके करता है। फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम का डिके हो रहा है तो क्या निकलेगा वहां से, हीलियम प्लस निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा और गामा निकलेगा। गामा बेसिकली होते हैं फोटोन्स, है ना, फोटोन्स को ही गामा कहते हैं। इनकी बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल। ठीक हो, इनको आप कहां, इनकी भी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन इसको आप एल्यूमिनियम शीट्स से रोक सकते हैं, एल्युमिनियम सीट्स से इनको रोका जा सकता है। लेकिन हीलियम प्लस की कम होती है पेनिट्रेटिंग पावर, कुछ ही आप दो चार कागज लगा करके, दो चार पेपर सीट लगा करके इनके पेनिट्रेशन को आप रोक सकते हैं। ठीक है, इनके पेनिट्रेशन को आप रोक सकते हैं। तो इन कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये है पेनिट्रेटिंग पावर का, पेनिट्रेटिंग पावर का वो है ना ऑर्डर, की सबसे ज्यादा गामा की, फिर बीटा की, फिर हीलियम की। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 11th नंबर, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी। बेसिकली हीट कैपेसिटी क्या होती है, कि अमाउंट ऑफ हीट
टू बी सप्लाइड टू अ गिवन मास ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब कि आपको कितनी ज्यादा वहां पे ऊष्मा देनी पड़ी, कितनी ज्यादा आपको हीट ट्रांसफर करनी पड़ी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, है ना, 1 डिग्री या 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना आपको वहां पे ऊष्मा देनी पड़ी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उस बॉडी का हीट कैपेसिटी उस बॉडी की हो जाएगी कि उसको कितनी हीट देनी पड़ी कि उस बॉडी का तापमान 1 यूनिट बढ़ गया या 1 डिग्री यूनिट बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन होती है। तो यहां से आपने देखा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखना है तो हीट दे रहे हैं क्या करने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला बन गया कि हीट पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, हीट गिवन टू अ बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 यूनिट, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 यूनिट। तो हीट की यूनिट होती है जूल, हीट की यूनिट होती है जूल, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। क्या हो गया यहां से फॉर्मूला, यहां से आपने फॉर्मूला क्या निकाल लिया, जूल पर केल्विन, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, जूल पर केल्विन यहां से आ गया। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इसके कहां से निकाल सकते हैं इस चीज को कि हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन क्या होती है। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है, अगर आपको ये चीज याद है कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितना हीट दिया जाता है, जितना उस बॉडी को हीट दिया जाता है वही कहलाता है उस बॉडी का या उस वस्तु का हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहां से आप इजिली जूल पर केल्विन उसका यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 12th क्वेश्चन अपना देखते हैं हम यहाँ पे कि 12th क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ वर्क डन क्या है, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर होता है, ठीक है, सिंपल सा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कह रहा हूं, एक डिफिनेशन है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है, और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दोनों ही चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब किसी बॉडी, कोई भी बॉडी किसी चीज को, किसी भी कार्य को कितना देर तक कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ठीक है, वो कितनी देर तक उस कार्य को कर सकता है, ये होता है उसकी ऊर्जा, ये क्या होती है, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, और रेट ऑफ वर्क डन मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को कितना जल्दी कर सकता है, ठीक है, कितना जल्दी कर सकता है, वो होती है पावर। तो पावर का क्या होगा डिफिनेशन, पावर होगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, मतलब कि कितने कम से कम समय में वो उस कार्य को कर सकता है, तो द रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे बात आती है रेट, तो रेट हमेशा किस में देखा जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ठीक है। तो क्या है ये डिफिनेशन, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ठीक है, तो यही चीज ध्यान में रखना है, ये आपका 2018 के CHSL का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा आपसे यहाँ पे एक चीज पूछी है, क्या पूछा है, और रेट ऑफ वर्क डन, और यहाँ पे पहले ही ऑप्शन एनर्जी दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि अगर आपको याद नहीं है कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है, तो दोनों ही चीज में कंफ्यूज नहीं होना है और एनर्जी को यहाँ पे नहीं लगाना था, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पे एनर्जी मार्क कर देते हैं, ठीक है, और पहला ऑप्शन ही एनर्जी दिया गया था, ठीक है। तो अगर एबिलिटी पूछे, एबिलिटी में आपको एनर्जी टिक करना है, रेट पूछे तो आपको पावर टिक करना है, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन अपना देखते हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से निकलेगा, सर ये निकलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 into m2 upon r square, ये आपको पता होना चाहिए था, दो बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये जी क्या है, यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी बता दूं कितनी होती है, 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है, ये क्या होती है, इस जी की वैल्यू होती है, लेकिन अभी हमें यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए जी को अलग कर लीजिए और बाकी चीजों को एक तरफ भेज दीजिए, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा F × r², यहाँ से m1 × m2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, m1 m2 दोनों ही क्या है, मास है, दोनों ही क्या है, द्रव्यमान है, केजी, और केजी का मल्टीप्लाई होगा kg² हो जाएगा, आर हमारा मीटर में होता है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब केजी, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि केजी
और एक मीटर, और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर। यहां से क्या केजी से एक केजी कट गया, और ऊपर क्या बचा मीटर क्यूब, नीचे क्या बचा केजी बचा और सेकंड स्क्वायर बचा। ठीक है, मीटर क्यूब यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ का क्यूब लिख दीजिए, नीचे केजी क्या है केजी मास है कैपिटल एम लिख दीजिए, एस क्या है टाइम को कैपिटल टी लिख दीजिए। अब इस चीज को यहाँ पे मिला लीजिए कि एल थ्री है, एल थ्री है, एल पहले सी और डी ऑप्शन में एल थ्री है, एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको ऊपर भेज दीजिए, एम ऊपर भेजेंगे तो एम माइनस वन हो जाएगा, एल यहाँ पे थ्री है और टी माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट मैच करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया डाइमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, कि नॉर्मल सा जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला है उसी में जिस क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी का आपको डाइमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उस क्वांटिटी को आप एक तरफ करो और बाकी सारी चीजों को एक तरफ रख दो। ठीक है, और उनकी सबकी एसआई यूनिट्स रख दो, उनकी सबकी एसआई यूनिट्स आप पुट कर दो, और उनको एसआई यूनिट्स पुट करोगे तो आपको एम एल टी, यहाँ पे जो कैपिटल एम होता है ये मास होता है, ठीक है, और ये एल फॉर लेंथ होता है और टी फॉर टाइम होता है। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में सारी चीजें अरेंज कर दो और सिंपल आपका यहाँ पे डाइमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एकदम सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं कि द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ सोज, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सोज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब कि वाई एक्सिस में डिस्टेंस और x एक्सिस में आपका टाइम। ठीक है, क्या शो करता है, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है तो क्या स्लो करता है। ठीक है, कि इतने समय में बॉडी इतना डिस्टेंस चली, इतने समय में बॉडी इतना डिस्टेंस चली, इतने समय में बॉडी इतना डिस्टेंस चली, इतने समय में बॉडी इतना डिस्टेंस चली। तो यहां से स्लोप, जो आपका स्लोप, स्लोप क्या कहते हैं थीटा। ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं थीटा एंगल बनाऊं तो स्लोप क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी है अपॉन हाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आपका बेस टाइम है, बेस आपका टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड होता है। तो स्लोप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो आपको स्लोप देगा, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वो क्या देगा, वो स्पीड देगा, वो क्या देगा स्पीड देगा। इसी तरह इससे मैं भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी होती और यहाँ पे टाइम होता और इसका स्लोप पूछता, इसका स्लोप पूछता कि इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, तो टेन थीटा वी बाई टी होता, मतलब एक्सेलरेशन त्वरण देता। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा त्वरण देगा एक्सेलरेशन देगा, और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा गति देगा या स्पीड देगा, गति देगा या स्पीड देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है, याद रखना की जरूरत नहीं है अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझोगे चीज को। ठीक है, कि यहाँ पे स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है टेन, टेन थीटा, टेन थीटा पता है सबको, सब लोग मैथ पढ़ते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है और बेस में हमारा टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। उसी तरह फिर परपेंडिकुलर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हो जाएगा और बेस में टाइम हो जाएगा, तो फिर से बेस वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा, सिंपल सा था। ठीक है, चलिए 15th और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ अ मोमेंट आर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्टीट्यूड या बेस, क्या होगा इसका आंसर, इसको क्या बोलेंगे मोमेंट आर्म, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या बोल रहा है बेसिकली कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी क्या कर रही है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है एक्सिस है, और कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए दरवाजा मान लेता हूं मैं, इसको डोर का एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक्सिस है, इस पॉइंट के अंदर पिवोटेड है आपका डोर, ठीक है, पिवोटेड है और ये क्या है इस एक्सिस के अराउंड इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो बोल रहे हैं कि अगर आपने हैंडल पे क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, ठीक है, कोई फोर्स लगाया यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बोल रहा कि जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में वही पूछ रहा है कि इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे आप एक बल लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये जो आपकी दरवाजा जहां से जुड़ा है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से क्या पूछ रहा है, उस आर की दूरी पूछ रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं मोमेंट आर्म,
इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म आंसर हो जाएगा। बाकी सी बी सी और डी ऑप्शन देखेंगे तो आप यहां से भी इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ना ही मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्टेंस में होता है और एल्टीट्यूड की तो बात ही नहीं समझ में आती है, ठीक है। और यहाँ पे बेस जैसा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो गेस करके भी आप मोमेंट आर्म ही आंसर करते, लेकिन फिर भी ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो ये थे आपके आज के पार्ट टू के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। और फिर आगे के लेक्चर में हम और भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन सारी चीजों को नोट करें, इनको अच्छे से रिवाइज करें। सारे क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। तो उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन तो वो अलग अलग तरीके से घुमाएगा ही, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उसके पीछे का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर उसके पीछे का आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन वो कितना भी तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखेगा, आपका दिमाग चल जाएगा कि यार बात इसी चीज की कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं रटे चीजों को, उस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को समझें, उस कॉन्सेप्ट पे जाएं, जिससे कि उस तरह के आने वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएं आपसे। जैसे कि मैंने बात की थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जी वाले क्वेश्चन में जो मैंने बात की थी, इस वाले क्वेश्चन में, तो यहां पे इस बार में इस वेट ऑफ द पर्सन करके बात की गई, यहां पे वेट ऑफ अ पर्सन करके यहां पे बात की गई। लेकिन उसी तरह एक और क्वेश्चन जो मैंने लिया था वहां पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, उस पे बात की गई थी, ठीक है। तो एक ही चीज को पूछ रहा है कि जो आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना आता है कि नहीं, एप्लीकेशन पता है कि नहीं, जो एज हाइट है उसकी दूरी कहां से अर्थ के सरफेस से लेते हैं या अर्थ के सेंटर से लेते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन चीजों को समझने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्मूला पता रहेगा रट लेंगे तो भी वहां से हो जाएगा, ठीक है। इनके पीछे का कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज के लेक्चर में, सारी चीजों को रिवाइज करेंगे अच्छे से, इन सारी चीजों को जो भी बताया इन सारी चीजों को नोट करें बढ़िया से, ठीक है। और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। Please subscribe Hollywood YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.